आज साथी उससे गोली चली है जिम में एक्सरसाइज करते हुए। मेरा बेटा रो दोनों का जिम घर के अंदर बहुत शानदार मतलब बेहतरीन जिम बना हुए। मौलाना का भी आपने देखा होगा, वो भी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी वीडियो आपने भी देखी होगी। तो हालांकि एक रात तो पहले हम सारे फैमिली सारा खानदान ही दे रहे थे हम रात का खाना हफ्ता इतवार की रात को। फिर इतवार को इस दफा मैंने मरीज नहीं देखे। मैं जब भी इतवार को आता हूँ मरीज देखता हूँ, इस दफा मैंने नहीं देखे। मैंने अपने कुछ काम देखने थे तो मैंने मरीजों से माजरत कर ली थी। रात को हम फारिग होकर वो वसीरन चले गए हैं, तारिक भाई भी अपना सब लोग बच्चे गप शप करते हंसते खेलते पता नहीं कितने बजे सोए होंगे। मैं 4-4:30 बजे फारिग होकर लाहौर निकल गया। मौलाना उस समय जैसे पहले फैसलाबाद चले, तो मैं भी टोल प्लाजा क्रॉस किया है तो मेरी पीछे से ना वाइफ की चीख निकल गई। और मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत है? खैरियत है, क्या हो गया? वो कहती कासिम जख्मी हो गया, गोली लग। अब हम वहां पीछे घर हवेली खाली, मुलाजमीन और कजन, उसको भी कोई होश नहीं थी, वो बात नहीं कर पा रहा था शाबेरान। तो वापसी भी फिर अब रात को फिर पता सब सारा पता चला कि भाई ओ मेरा भांजा भी साथ था। उसने कहा जी हम सारे यहाँ इकट्ठे बैठे थे, ये एक्सरसाइज करने गया तो शाबेराम ने कहा कि इसको अकेला न भेजें, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ। तो दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसने कहा तुम पिस्तौल चेक करने लग गया ना, तो मना भी किया मेरे बेटे ने कि ना कर, क्या कर रहा? कहता खाली है, मैं जरा चेक कर रहा हूँ। वो उसमें एक गोली थी, नौकर ने भी कहा जी खाली था, मैंने तो खाली रखा था, वो एक गोली थी बस। वो ऐसे टिक टिक करके यूं करके चेक करता गया, 1, 2, 3, 4, 5 पता नहीं 8 वाला था 6 वाला था, मुझे तो ये भी नहीं। वो उसमें से एक गोली सीधी यहाँ चली और ये बिल्कुल हार्ट के ऊपर उसको लगी और रो रही थी। फिर आगे आपको पता है, इन बेचारों को तो पता नहीं था, मुझे पता होता या मैं यहाँ होता हॉस्पिटल ले जाने ही ना देते। हम हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आगे आपको पता है ऐसे गंदे गलीज कानून है हमारे। अल्लाह इन सबको हिदायत दे कि अंग्रेज की गुलामी से निकलें और कोई इंसानों वाले कानून बने। उसी अंग्रेज के कानून है और आगे चलाने वाले भी बड़ी मुश्किलों से। खैर डीपीओ साहब से जो कानूनी कार्रवाई थी वो पूरी की, डीपीओ साहब को तशरीफ लाए थे, एसएचओ भी बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने भी, तो अल्लाह का शुक्र है पोस्टमार्टम बच के, वरना तो ये जलालत ही है यार। आज साथी उससे गोली चली है जिम में एक्सरसाइज करते हुए। मेरा बेटा और वो दोनों का जिम घर के अंदर बहुत शानदार मतलब बेहतरीन जिम बना हुए। मौलाना का भी आपने देखा होगा, वो भी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी वीडियो आपने भी देखी होगी। तो हालांकि एक रात तो पहले हम सारे फैमिली सारा खानदान ही दे रहे थे हम रात का खाना हफ्ता इतवार की रात को। फिर इतवार को इस दफा मैंने मरीज नहीं देखे। मैं जब भी इतवार को आता हूँ मरीज देखता हूँ, इस दफा मैंने नहीं देखे। मैंने अपने कुछ काम देखने थे।